सिटी टू ने महिलाओं पर बंदूक चलाई, 5 महिलाएं घायल हुई जिनमें 12-17 साल की दो लड़कियां भी हैं। कुल 83 वाद सीलिंग वाद चल रहा है तो उसमें त्वरित न्याय डिसीजन जल्दी हो। पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में कलेक्ट्रेट के सामने दिन भर पर्चाधारी संघर्ष समिति और लोक संघर्ष समिति के लोग धरना पर बैठे। धरना देने वाले लोगों की मांग थी कि पश्चिम चंपारण में सीलिंग से फाजिल जमीन पर भूमिहीन लोगों को पर्चा दिया गया है, वासगीत का पर्चा दिया गया है, कटाव से उजड़े घरों को पुनर्वास का पर्चा दिया गया है और भूदान का पर्चा दिया गया है। इन सब पर्चों की जमीन पर अवैध दखल है और अवैध दखल को हटाने के लिए कानून बनाए गए हैं। और थानाध्यक्ष लोकसभा ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब 24 दिसंबर 2022 को पर्चे के प्रति भूमि जो ग्राम पटेरवा थाना जगदीशपुर में अवस्थित है, ट्रैक्टर से जोतने भूधारी शांति देवी के परिवार के सदस्य सीसीटू में रेहदारों के साथ पहुंचे, तो पर्चाधारी परिवार की महिलाओं ने विरोध किया। सीसीटू में महिलाओं पर बंदूक चलाई, 5 महिलाएं घायल हुई जिनमें 12-17 साल की दो लड़कियां भी हैं। ये घटना लोगों को क्या मालूम था कि जो खाली जमीन है ऊपर भूधारी सीसी टूबे और उनका परिवार के लोग जाके जबरदस्ती जोतत रहे। नाम जब साफ अभियुक्तों में से मात्र 2 गिरफ्तार, 1 फरार है। मुख्य अभियुक्त सीसी टूबे गायब है। हमारी विनम्र मांग है कि सीसी टूबे सहित अन्य 4 अभियुक्तों के घरों की कुर्की जब्ती की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई सुनिश्चित हो और घायल हुई महिलाओं को मुआवजा दिया जाए। धरना पर बैठे लोगों के पास पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि आए। प्रतिनिधि को पंकज जी जोर देकर कह रहे हैं कि जिस जमीन पर अंतिम तौर पर दोबारा भूमिहीन लोगों ने हाई कोर्ट तक जाकर के जीत हासिल कर ली, उस जमीन को भूधारी दूसरे लोगों को बेच दे रहे हैं। भूधारियों के पास कोई कागज नहीं है, बावजूद अवैध तरीके से बेच दे रहे हैं। इस तरह भूमिहीनों को अब भूधारियों से मिली जीत के बाद दूसरे लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा है और इसमें प्रशासन मूक दर्शक है। पश्चिम चंपारण के नए जिलाधिकारी ने अपने कमरे में लोगों को बुलवाया और जिलाधिकारी ने कहा कि मई प्रथम सप्ताह से लोगों की समस्या पर सुनवाई शुरू करेंगे और एक एक करके प्राथमिकता क्रम से निदान करेंगे। पर्चाधारी संघर्ष समिति के रामेश्वर जी का वक्तव्य भी सामने है। आज बेतिया में जो धरना का कार्यक्रम था वो मूल रूप से जो कटाव पीड़ित लोग हैं बाढ़ से या जिनके पास रहने को घर के लिए भूमि नहीं है तो वास भूमि के लिए, और पूर्व से जिनके पास पर्चा है लेकिन आज तक जमीन पर कब्जा नहीं मिले तो उनको कब्जा मिले, ऐसा सरकार की ओर से पहल हो और लोगों की जो मांग है उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, और इसके साथ साथ जिनको वास भूमि मिलती है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जोड़ा जाए। तो आज का धरना का कार्यक्रम जो है इन मुख्य इन्हीं बिंदुओं पर था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मांग था आज के धरना के कार्यक्रम में कि जितने वाद हैं सीलिंग से, लगभग 83 वाद जो चल रहे हैं जिसमें 23 कलेक्टर साहब के यहाँ है और 26 बेतिया एसडीओ के यहाँ है, इस तरह और जगहों का कुल 83 वाद सीलिंग वाद चल रहा है तो उसमें त्वरित न्याय डिसीजन जल्दी हो। और इसके साथ साथ जो अधिशेष भूमि है सीलिंग में उस पर भूधारियों द्वारा ये जो है उसको बेचा जा रहा है, रेहन में रखा जा रहा है या उस पर कुछ जीर्णोद्धार, उसका जीर्णोद्धार तो नहीं कहेंगे लेकिन उस पर कब्जा करने की दृष्टि से तालाब खुदवाए जा रहे हैं या उस पर खेती करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें तो यथास्थिति में रखना है। जब तक कोर्ट में ये केस सब लंबित हैं तब तक तो उस पर कुछ नया कुछ करना नहीं है। तो इन बातों को लेकर के भी आज लोक संघर्ष समिति की ओर से जो धरना कार्यक्रम आयोजित था बेतिया समाहरणालय के समक्ष, तो उसमें प्रतिनिधि मंडल मिला आज कलेक्टर से
और कलेक्टर साहब बहुत ध्यान से सभी बातों को उन्होंने सुना और इस पे उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये कहा कि हमको इन मामलों को समझने दीजिए, सभी काम होंगे। और मई के प्रथम सप्ताह में उन्होंने पुनः सबों को बुलाने का, मतलब जो प्रतिनिधि मंडल में हैं या और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं मुख्य रूप से, तो उनको बुला के एक विचार विमर्श करने की बात हुई। साथ साथ उन्होंने कहा कि आप जो सम्मिलित रूप से सभी अंचलों का जो वाद के बारे में और समस्याओं के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं लिखित में, तो उनका कहना था कि आप इन समस्याओं को, चाहे किसी तरह की समस्या हो, उनको अंचल वाइज आप बना लीजिए अलग अलग। विमर्श न्यूज के पश्चिम चंपारण प्रतिनिधि की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस संघर्ष के भागीदार हैं। शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।